एवरीवन, मैं आर्य त्यागी हूँ और मैं मेरठ से आया हूँ। सर से मिलने आया था और मैं एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ। मैंने एक बुक लिखी है हैकिंग के ऊपर कि साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग कैसे स्टार्ट होती है, हैकिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं और आप उनसे बचाव कैसे कर सकते हो। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी में सोशल मीडिया आप चलाते हो तो उनमें कैसे बचाव कर सकते हो अपना। आप अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप उसमें कैसे रिपोर्ट करो और उसमें आप फिर आपका जो अमाउंट है वो कैसे वापस आएगा। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास सोशल मीडिया पे कोई अननोन लिंक आता है, कोई भी अननोन बंदा आपके पास कोई लिंक भेजता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, आपको कुछ भी झांसा देता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल आईफोन मिल जाएगा या 50,000 रुपये की लॉटरी जीती है आपने, तो उन लिंक्स पे क्लिक मत करना। वो एक्चुअल में होते क्या है, वो फिशिंग लिंक होते हैं। फिशिंग लिंक का मतलब क्या होता है, हैकर्स अपना एक फेक पेज बना देते हैं, जैसे कि फेसबुक फेसबुक पेज बना दिया उन्होंने अपना, वो एकदम क्लोन पेज बनता है फेसबुक का। आप जब उस पर क्लिक करते हो तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे और वो एज इट इज यूजर नेम पासवर्ड उन हैकर्स के पास चला जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड आपका आईपी एड्रेस, आपके आईपी एड्रेस के थ्रू वो आपकी लोकेशन जान सकते हैं, आप कौन सा सिम यूज करते हो वो जान सकते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब चीजें आप वो उसके थ्रू जान सकते हैं। और यूजर नेम पासवर्ड से वो आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेंगे और फिर वो आपको कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करके आपको फंसा देंगे या फिर आपसे पैसे मांगेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना। सेकेंड पॉइंट है कि आपको कोई भी अननोन एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल नहीं करनी है। कोई भी अगर आपको भेजता है अननोन एप्लीकेशन तो आपको वो भी इंस्टॉल नहीं करनी है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, आपको अननोन बंदा आके बोलता है कि ये एक एंटीवायरस है या फिर ये कोई एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग पेड वर्जन का आपको फ्री वर्जन दे रहे हैं, वो आपको इंस्टॉल नहीं करनी है। उसका रीजन ये है कि कोई भी हैकर जब अपनी कोई एप्लीकेशन बनाता है तो वो उसका एडमिन यूजर होता है और आप उसके एक नॉर्मल यूजर होते हो, तो आपकी सारी एक्टिविटी सारी डिटेल्स उसके पास जा रही होती है। जब आप उस एक्टिव आप जब उस एप्लीकेशन को लो इंस्टॉल करते हो तो आप उसमें सारी चीज़ें अलाउ करते हो, आपका कॉन्टैक्ट, आपके मीडिया, आपका एसएमएस, सब कुछ, वो सब कुछ, क्योंकि वो एडमिन यूजर है तो वो सारी चीज़ें उसको रीड कर सकता है। तो बेसिकली आपका फोन ऐसे ही हैक होता है कि आप किसी का कोई अननोन एप्लीकेशन उस आपने इंस्टॉल कर ली। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपना डेली बेसिस पे एक सिक्योरिटी चेकअप होता है हर फोन में। आईओएस इसलिए फेमस है कि सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि आईओएस में आप कोई भी मोड एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, बट नॉर्मल एंड्रॉयड और फोन्स में आप कर सकते हो। तो उसमें आप हमेशा अपना सिक्योरिटी चेकअप करते रहोगे तो फोन उसको कैच कर लेता है कि ये एप्लीकेशन ऑथेंटिक है या नहीं। थर्ड पॉइंट आ गया कि अगर आप अपना ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे और आपसे कोई फोन मांगता है कि मुझे कोई कॉल करनी है या ऐसा कुछ, तो आप उसको अपना फोन मत दीजिएगा, आप उससे नंबर पूछ के अपने हाथ से ही डायल कर लीजिए। या फिर अगर वो आपको बोलता है कि वो मेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं दूसरा नंबर डायल कर रहा हूँ, तो आप उस पर नजर बनाए रखिएगा कि वो कोई भी स्टार हैश ऐसा कोई वो ना डाले। इससे क्या होता है, इससे आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाती हैं, आपकी जितनी भी कॉल्स आपके फोन पे आ रही होंगी वो सारी किसी और नंबर पे चली जाएंगी। और कई बार क्या होता है, जब कहीं से भी हम लोगों को पेमेंट करनी होती है, कोई ओटीपी आना होता है, तो हम उसमें एक ऑप्शन आता है कि हम कॉल के थ्रू ओटीपी ले सकते हैं, तो वो जो आपकी ओटीपी आना होगा वो आपकी जगह उसके पास आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अगर कभी इन केस आपके साथ ऐसा हो जाता है तो एक नंबर है *21#, आप इस नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो कि मेरी कॉल्स जो हैं वो फॉरवर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसके अलावा अपना फोर्थ पॉइंट ये आ गया कि आप अगर एक बिजनेसमैन हो या फिर आपके अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट है या फिर अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो भी बैंक अकाउंट में नंबर कनेक्टेड है उसको आप सब जगह बांटिए मत, कहीं पे भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मत उसको एक्टिवेट करीजिएगा। या फिर बहुत से जो बिजनेसमैन होते हैं वो मार्केटिंग के लिए वही नंबर दे देते हैं, वहां पे क्या होता है, कभी भी जैसे आपने फेसबुक अकाउंट बनाया और उनका डाटा ब्रीच हो गया तो वो आपका नंबर भी चला जाएगा। और जब आपका नंबर चला जाता है तो बहुत सारी ऐसे ओसेंट बोलते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसमें जिसके थ्रू कोई भी एक नॉर्मल बंदा आपके नंबर से ही बेसिक इन्फॉर्मेशन पता कर सकता है, जैसे कि आपका नाम, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप यूपी से हो तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी यूपी से हो, और आपकी फोटो तक पता कर सकता है। अगर आप कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी हो तो आपका नाम अगर पता चल जाएगा तो वो आपको गूगल पे सर्च कर सकता है। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ,
तो मैं एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ और मैंने बुक लिखी हुई है, तो अगर किसी को मेरा नाम पता चल जाता है तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से कलेक्ट कर सकता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा मेल आईडी क्या है, तो यहाँ पे हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एक रीज़न ये है कि आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें अपना नंबर ऐड ना करें, जो भी नंबर ऐड करो उसको अपना प्राइवेट रखो कि आप उसको कहीं पे भी शेयर ना करो। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी यूज़ करते हो, उन सब पे अपना आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता क्या है, आपको जितने भी न्यूमेरिक डिजिट्स आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं, एट द रेट, हैश, स्टार, कोमा, ये सारे आपको यूज़ करने हैं। उसमें मेक श्योर आपका जो पासवर्ड हो वो 15 कैरेक्टर से ऊपर हो। तो उसमें क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने ही सब चीज़ों में एग्जाम्पल दूंगा, मेरा नाम है आर्य त्यागी। अब अगर कोई हैकर मेरे पे अटैक करना चाहता है थ्रू ब्रूट फोर्स, तो उसमें वो मेरा नाम डालेगा, मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेगा। तो ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक में होता क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर मेरे ही नाम से या मेरी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे एक सजेशंस बना देगा। वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर से जैसे ही कनेक्ट करेगा किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी वेबसाइट को, तो वो उस पर ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड्स डाल के ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके थ्रू मैं हैक हो सकता हूँ। बट क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स के पासवर्ड, अलग अलग डिजिट्स के पासवर्ड उसमें एडिट किए हुए हैं, तो उस पर ब्रूट फोर्स अटैक इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगा। अगर ब्रूट फोर्स अटैक वो कर भी लेता है किसी ऊपर, और आपका पासवर्ड कभी वीक होता भी है और वो गेस कर लेता है, तो आप उसके लिए बच सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के। सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक प्राइवेसी होती है कि आप सोशल मीडिया पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हो, इन नंबर और या फिर ईमेल आईडी। उसमें होता क्या है, अगर आपको भी अपना कभी सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन करना है, तो वहाँ पे आपको पहले एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, और वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं हम ओटीपी को, वो कुछ टाइम के लिए ही वैलिड रहता है, 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप जब तक वो ओटीपी नहीं डालते, जब तक आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ओटीपी डाला उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। अगर आपके साथ कभी फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, तो आपको वहां पे उस केस में करना क्या है, इमीडिएटली आप 24 आवर्स के अंदर अगर आप कॉल कर देते हो 1930 पे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1930, ये हमारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है नेशनल पोर्टल पे। इस नंबर पे आप कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरे साथ एक साइबर क्राइम हो चुका है, इतने अमाउंट का है, वो आपसे बाकी इन्फॉर्मेशन हेल्प डेस्क वाले खुद ले लेंगे। वो उसको इमीडिएटली उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअल में वो वर्क कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आप उसको एज सून एज पॉसिबल नेक्स्ट टाइम से रिपोर्ट कर सको। जब आप हेल्पलाइन हेल्प डेस्क पे आप कॉल करते हो, तो वो इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकालेंगे कि आपका बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में है, SBI में है, किस में है, आपके बैंक से लास्ट ट्रांजेक्शन किस बैंक में हुई हुई है, वो फिर क्रिमिनल का बैंक डिटेल्स निकालेंगे। इमीडिएटली वो करते क्या है, उस क्रिमिनल के बैंक को फ्रीज कर देते हैं। अगर आपका साथ 1 लाख का फ्रॉड हुआ है, तो इमीडिएटली क्रिमिनल जिसके अकाउंट में आपका पैसा गया है उसको फ्रीज कर देंगे, और फिर वो उस अमाउंट को यूज नहीं कर पाएगा कहीं पे भी। फिर आप जाके थ्रू लीगल प्रोसीजर उस अमाउंट को रिवर्स करवा सकते हो। अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई भी साइबर स्टॉकिंग, साइबर सेक्सटॉर्शन, लड़कियों के साथ फोटोमॉर्फिंग होती है, तो आपको उस केस में डरना नहीं है। एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल है cybercrime.gov.in, यहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी रिपोर्ट है घर बैठे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, जो भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है थ्रू साइबर इंटरनेट के थ्रू, जो भी क्राइम हुआ है उसको आप रिपोर्ट करो। थ्रू 22 to 48 hours आपको आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पर अलॉट कर दिया जाएगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाएगी ऑफलाइन। अगर आप चाहते हो उस पर ऑनलाइन करी जाए, तो वो ऑनलाइन भी आपके आपके उसमें कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ जो ट्रेंडिंग साइबर क्राइम चल रहे हैं, इनसे आप लोग कैसे बच, क्या वो साइबर क्राइम्स हैं और इनसे आप कैसे बच सकते हो। पहला हम लेते हैं पोंजी स्कीम्स का। पोंजी स्कीम्स में क्या होता है, आपके पास एक कॉल आती है या आपके पास एक SMS आता है कि आप लॉटरी जीत चुके हो, या फिर आपका आप 50,000 रुपये जीत चुके हो या 1 लाख रुपये जीत चुके हो, आप उनको रिडीम कर लो इस लिंक पे क्लिक करके। जैसा मैंने आपको बताया था अभी फिशिंग अटैक, तो वो आपको कहीं ना कहीं अपना लिंक देंगे या फिर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, और उसके बाद आपसे बोलेंगे कि हमारा QR कोड स्कैन कर लो, या फिर आपसे कुछ भी OTP मांगेंगे, तो वहां पे आपको OTP वगैरह कुछ भी नहीं देना है। सेकेंड जो आता है फोटोमॉर्फिंग। फोटोमॉर्फिंग मोस्टली लड़कियों के केसेस में होता है। फोटोमॉर्फिंग होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। फोटोमॉर्फिंग में क्या होता है, किसी भी न्यूड पिक्चर को उठा के वो उठाते हैं और किसी भी लड़की की फोटो को उस पर पेस्ट कर देते हैं।
और वो एज इट इज बिल्कुल रियल फोटो लगती है। इस केस में लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। फोटो मॉर्फिंग अगर आपके साथ कभी होती है तो आप इमिडिएटली अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके उसको रिपोर्ट करो, या फिर cybercrime.gov.in पे उस पर जाके रिपोर्ट करो। उस पर इमिजिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी कि आपके पास वो फोटो आई कहाँ से थी। किसी ने तो आपको व्हाट्सएप पे भी भेजी होगी, तो उसकी IPDR के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाएगी और उसको पकड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया वेरिफिकेशन स्कैम। ये आज के टाइम पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे काफी ट्रेंडिंग पे है। आपको झांसा दिया जाता है कि हम आपका सोशल मीडिया पे ब्लू टिक लगवा देंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, या फिर आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़वा देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। फॉलोअर सिर्फ उसी के बढ़ते हैं जो मेहनत करता है, और वेरिफिकेशन सिर्फ उसी का होता है जो एक वाकई में पब्लिक फिगर होता है। या तो वो कोई पॉलिटिशियन होना चाहिए, एक्टर एक्ट्रेस, IPS IAS ऑफिसर, उन्हीं का होता है। उसका एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है। पहली बात तो आपको कभी पेड कराना नहीं चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आप हम उसको ये कह सकते हैं कि आप पैसा देके एक फेम पा रहे हो, पैसा देके आप अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हो, तो वो चीज़ वैसे भी गलत है। और आप कभी भी अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज खरीद भी रहे हो, मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा वेरिफिकेशन को, बट अगर कभी आप उसको खरीद भी रहे हो तो आप एडवांस पेमेंट मत करो। इसमें फ्रॉड क्या होता है, वो आपको बोलते हैं कि हम आपका ब्लू टिक पे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक लगवा देंगे और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, और वो चार्ज भी काफी अच्छा खासा करते हैं, क्योंकि जो दूसरा बंदा होता है वो एक खुद एक पब्लिक फिगर होता है, तो आप उसकी बातों में आ जाते हो। बट ऐसा नहीं होता, वो खुद 5-6 लाख रुपए देके उस बंदे ने भी अपने अकाउंट पे ब्लू टिक लिया होता है, और उसके बाद वो अमाउंट रिकवर करने के लिए आपके साथ स्कैम्स करता है। ये भी ट्रेंडिंग स्कैम है। नेक्स्ट आता है अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने का। काफी सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो कि हम अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आपको एक सजेशन दे देंगे कि आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करो और आपके एक दिन में 1,000-2,000 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। बट उसके पीछे रीजन क्या होता है, वो फॉलोअर्स बढ़ते कैसे हैं, आपको अपना ID पासवर्ड देना होता है, वहां पे लॉगिन करना होता है। और एक्चुअल में वो बाटर सिस्टम चलता है कि अगर वहां पे 1,000 यूजर्स हैं तो 1,000 के अकाउंट से एक दूसरे को वो फॉलो करते हैं, फॉलो फॉलो बैक चलता है। बट कहीं ना कहीं आप अपना पासवर्ड दे रहे हो उनको, तो आपको उनसे भी बचना है कि आप अपना पासवर्ड दे रहे हो, तो आपकी बेसिकली आप उसको ये सोच सकते हो कि आपका अकाउंट दूसरा बंदा जो भी वो वेबसाइट का ओनर होगा उसको लॉगिन करके देख सकता है। तो इसलिए आपको इन भी चक्करों में नहीं पड़ना है कि आपको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो करो अगर आपको करना है तो। नेक्स्ट आता है फेक प्रोफाइल सेक्सटोर्शन। इसमें क्या होता है, ये भी मोस्टली लड़कियों के नाम से हो जाता है कि उनकी फोटो को किसी गंदी फोटो के साथ ऐड कर दिया जाए, या फिर कई 10-15 लड़कियां उठा के गंदी फोटोज के साथ उनको ऐड करके एक फेक प्रोफाइल बना दी जाती है। आपको इस चीज में भी डरना नहीं है, क्योंकि ये साइबर क्राइम है, तो कोई भी 100% अपने ट्रैक्स जो है क्लियर नहीं कर सकता। कोई भी अगर फेक प्रोफाइल बनाता है तो उसको पकड़ने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो आप इमीडिएटली उसको साइबर क्राइम पोर्टल पे उस पर रिपोर्ट करो, उसको पकड़ लिया जाएगा। अभी ट्रेंडिंग में एक साइबर क्राइम चल रहा है फेक वीडियो कॉल का। आपके पास एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है फेक, उसमें क्या होता है, आप जब उसको उठाते हो तो एक सामने न्यूड लड़की होती है और उसने कुछ नहीं पहन रखा होता है, और आप जब उसको देखते रहते हो ना, तो उधर से वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रही होती है। एक्चुअल में वो लड़की नहीं होती, वो रोबोट होता है, और जो पोर्न स्टार होते हैं वो उनकी वीडियोस होती है, और वो उधर से उसको रिकॉर्ड करके आपको फिर वापस से भेजते हैं कि हम लोगों ने ये वीडियो यूट्यूब मैनेजर को भेज दिए, यूट्यूब डायरेक्टर को भेज दिए, और अब आपके पास वहां से कॉल आ जाएगा आगे के प्रोसीजर के लिए। फिर आपके पास एक फेक कॉल आती है साइबर क्राइम सेल से, कोई भी उसमें कोई अधिकारी की फोटो लगा लेते हैं वो, और फिर वो आपको आपको धमकाते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे किया है और आपके खिलाफ FIR हो चुकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो वीडियो है जो आपकी यूट्यूब में जा चुकी है, यूट्यूब मैनेजर उसको प्रोसीड कर चुका है अपलोड करने के लिए यूट्यूब पे, और उसके लिए अब आपको फाइन देना पड़ेगा अगर आपको वो डिलीट करवानी है तो। उसमें फिर वो आपसे 50,000-60,000 रुपये मांगते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपसे लाखों में भी मांगेंगे, और वो बोलते हैं कि हम आपके उसके बाद आपकी वीडियो जो है वो डिलीट कर देंगे। बट कई केसेस में ऐसे मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप उनको पैसे दे भी देते हो ना, तो वो डिलीट तो नहीं करते, उल्टा आपसे और मांगने लग जाते हैं कि अब आपके पास 50,000 रुपये का चालान और पहुंच चुका है, तो आपको वो भी पे करना पड़ेगा। तो ऐसा चलता रहता है वो प्रोसीजर। अब मैं आपको इसके पीछे का बताता हूँ। कभी भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं डल सकती, कोई अगर डालने की कोशिश करता भी है तो यूट्यूब का जो रोबोट होता है या यूट्यूब की जो टीम होती है वो उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देती है।
और वो खाली उस YouTube चैनल को ब्लॉक नहीं करती, जब आप बार बार ट्राई करता रहेगा वो बंदा, तो उसका IP ब्लॉक कर देगी, फिर वो कभी YouTube भी यूज नहीं कर पाएगा। तो आपको कभी इन चक्करों में नहीं पड़ना, किसी को भी पैसे भेजने से पहले कई बार सोचना है आपको। अगर आपके पास कभी ऐसे अननोन बंदे से अननोन कॉल की वीडियो कॉल आ भी रही है ना, तो आपको पहली बात तो उसको पिक नहीं करना। कोई भी अगर आपका नॉन होगा तो पहले आपको डायरेक्ट कॉल करके बताएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ और लेट्स जॉइन अस ऑन वीडियो कॉल। नॉन बंदा कभी भी आपको डायरेक्टली वीडियो कॉल नहीं करेगा। अगर आपको उठाना है तो आप उसको उठा सकते हो, बट अपने कैमरे पे उंगली रख के। मैं आपको बता देता हूँ कैसे रखनी है। जैसे ये फोन है तो इसका फ्रंट कैमरे पे आप ऐसे उंगली रख के आप तब उसको उठा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई नॉन बंदा है तो आप उससे बात करो, अदरवाइज आप उसको वहीं कट कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक साइबर क्रिमिनल है और वो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत ही करेगा। एक और है, आप WhatsApp पे, Instagram पे और Facebook पे हमेशा एक प्राइवेसी लगा के रखना कि WhatsApp पे एक प्राइवेसी है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आप किस किस को दिखाना चाहते हो। आप उसको सिर्फ ओनली मैं फ्रेंड्स में दिखाना, लाइक जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड हैं आप सिर्फ उन्हीं को अपनी DP दिखाना। कई बार क्या होता है वो आपकी DP को भी ऐड कर देता है न्यूड पिक्चर में या फिर न्यूड वीडियो कॉल में, तो आपको वहाँ पे भी प्राइवेसी लगा के रखनी है। Facebook पे आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो। जब तक आप किसी बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे या फिर उसकी एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो आपकी DP भी नहीं देख पाएगा। सेम ऐसा ही इंस्टाग्राम ने भी कर रखा है। इंस्टाग्राम पे आप अपना अकाउंट प्राइवेट कर सकते हो। प्राइवेट में क्या होगा, जब तक बंदा आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा और आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो तब तक वो आपकी फोटोज नहीं देख पाएगा, क्योंकि आपकी फोटोज प्राइवेट हैं। अगर आप लड़की हो तो ये काफी ज्यादा मेरी तरफ से तो आपको सजेशन है कि आप अपना अकाउंट प्राइवेट रखो। एक और ट्रेंडिंग साइबर क्राइम है जिसमें लड़के और जो बिजनेसमैन है वो फंसते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे ऐसे पेजेस हैं जो अपने आप को कार्डर्स बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि हम आपको सस्ते दामों में आईफोन दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे या फिर बाइक दे देंगे। ऐसे कार्डर्स होते हैं। कार्डिंग का मतलब क्या होता है? कार्डिंग का मतलब होता है कोई भी US का क्रेडिट कार्ड उठा के वहाँ से हम आप उसको शॉपिंग कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कार्डिंग। तो आप एक्चुअल में, अगर आप मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इंडिया में कार्डिंग बंद है, क्योंकि अमेजोन US का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हो और वो भी इंडियन परमानेंट रेजिडेंस पे या रेजिडेंस पे, तो वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्ट कर भी देगा तो एक दिन के अंदर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो कार्डिंग पहली बात तो चलती ही नहीं इंडिया में। सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई ये ऑफर भी दे रहा है ना कि मैं आपको 50,000 रुपये का आईफोन 13 दे दूंगा, आईफोन 14 दे दूंगा, तो आप उसको मत मानिए, क्योंकि कोई भी इतना सगा नहीं है जो आपको 50,000 रुपये में आईफोन 13 दे देगा, आईफोन 14 दे देगा। अगर ऐसा होता तो उसके पास खुद के पास आईफोन होता और वो खुद ऑफलाइन जाके ही बेच रहा होता आईफोन, क्यों वो ऑनलाइन बेचता? अगर होता भी तो आपसे वो ऑनलाइन एडवांस पेमेंट नहीं लेगा, ठीक है? पहली बात तो चलती ही नहीं कार्डिंग, मैं उसको मना कर रहा हूँ कि आपको ऐसे बंदों पे ट्रस्ट नहीं करना है, कार्डिंग नहीं चलती कभी भी। कोई भी किसी भी बंदे पे ऑनलाइन आपको ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है। एक चीज़ और थी, आज के टाइम पे ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और एक टेक्निकल वर्ड है OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसे मैंने आपको थोड़ा सा भी उसके बारे में बताया, थोड़ा मैं और बता देता हूँ उसके बारे में। उसका मतलब क्या होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस? अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम का पेज है या फिर आपका कोई यूजर नेम है, थ्रू OSINT कोई भी बंदा जिसको भी टेक्निकल की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है थ्रू OSINT। आपके मोबाइल नंबर से आपके कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स कनेक्टेड हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो कई बार देखा गया है केसेस में वो लोग करते क्या हैं, आपका मोबाइल नंबर उनको मिल गया, अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे आपकी फेच करना स्टार्ट करते हैं। कल ही मेरे पास एक साइबर क्राइम आया था, केस आया था, उसमें मैंने देखा था एक पॉलिटिशियन का बेटे को उसका नंबर मिल गया एक क्रिमिनल को, उसने उसके नंबर को डाला जीमेल में और फॉरगॉट पासवर्ड में डाल के उसने उसका जीमेल ID निकाल लिया, क्योंकि उसको वो इतना टेक्निकल था नहीं, तो उसने अपना पासवर्ड भी अपने नाम से ही रखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम था अंकित शर्मा, तो उसने ऐसे ही रखा हुआ था अंकित शर्मा 123। तो क्रिमिनल ने उसका पासवर्ड इतनी जल्दी गैस कर लिया और उसके जीमेल में लॉगिन कर लिया, उसको पता भी नहीं चला कि उसके जीमेल में किसी ने लॉगिन कर लिया, क्योंकि अगर 2-factor ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ होता तो उसको तुरंत पता चल जाता, OTP आ जाता। अब उसने क्या करा, उसका जो करंट अकाउंट था, क्योंकि वो बिजनेसमैन है एक, तो उसका जो करंट अकाउंट था उस पर जीमेल एडिट है, तो जितनी भी वो ट्रांजेक्शन करता है सबके सबकी हिस्ट्री उस पर मेल पे आती है, सबके
मैं मेल आते हैं उसके मेल जीमेल पे के ऊपर, तो उसने वहां से उसका करंट बैलेंस देख लिया और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और निकाल ली कि उसका आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है। और जब उसको डायरेक्टली कॉल किया और उसको धमकाया कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और मैंने आपका फोन हैक कर लिया है, मेरा आपका बैंक अकाउंट जो है वो भी मेरे पास ही है, और जब उसने उसको बताया कि आपका आधार नंबर ये है, पैन नंबर ये है, आपके बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट पड़ा है, तो वो देख के डर गया कि भाई इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं पता, मेरा आधार नंबर तो मुझे भी याद नहीं, उसको कैसे याद हो गया। तो वो डर गया और उसने बोला कि मेरे को 1 लाख, उसके अमाउंट उसके अकाउंट में 1,80,000 रुपये पड़े थे। उसने बोला मुझे 1,80,000 रुपये नहीं पड़े, नहीं मुझे नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी। उसने ऐसे आपके सामने अपनी कंडीशन रख दी कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है या पापा मैं हॉस्पिटल में हूँ ऐसा कुछ, और मुझे को सिर्फ 40,000 रुपये चाहिए मेरे पापा के ट्रीटमेंट के लिए। तो मुझे 1,80,000 रुपये नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ 40,000 रुपये दे दो और मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब कुछ जो है मेरे पास मैं आपको उसको वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, जैसा कि उस लड़के ने किया, वो क्योंकि इतना भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल नहीं था, उसने तुरंत जाके अपने अकाउंट में से सारे पैसे निकाल लिए और तुरंत जीमेल का पासवर्ड जो है उसने फॉरगॉट कर लिया। सेम इवनिंग को उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया सारा प्रोसेस कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने उसका जब देखा और उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी अपने लेवल पे, तो मुझे पता चल गया कि वो ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने उसके बाद सिर्फ उस नंबर पे एक कॉल ही की थी और उस कॉल पे सिर्फ हेलो ही बोला था, तो वो मेरे को समझ गया था आवाज़ पहचान के कि ये कोई इन्वेस्टिगेटर है या कोई साइबर क्राइम वाला है। तो उसने मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया थ्रू SMS बॉम्बिंग। SMS बॉम्बिंग में क्या होता है, हम किसी के भी नंबर पे SMS फॉरवर्ड कर सकते हैं, OTP आते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के OTP होते हैं, वो किसी के भी नंबर पे वो भेज सकते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि 10 मिनट में आप 5,000, 100, 200, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने भेजना चाहते हो, कोई भी भेज सकता है, ठीक है, तो आप उसको भेज सकते हो। तो उसने मेरे को ऐसे डराना स्टार्ट कर दिया, मेरे पास कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट कर दी, मेरे पास काफ़ी सारी अननोन नंबर से कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई, बट क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं डरा नहीं, उल्टा मैंने उसके ऊपर SMS बॉम्बिंग जब स्टार्ट करी तो वो डर गया मेरे से, क्योंकि वो भेज रहा था मेरे को 5 मिनट 10 मिनट में 4-5 SMS, 4-5 कॉल्स, और मैंने उसके पास 1 मिनट में 100-100 SMS भेजने स्टार्ट करे तो वो डर गया उसका। फिर मेरे पास कॉल बैक आया कि सर मेरे से गलती हो गई ये वो, तो मैंने उससे प्यार से बात करी कि आप क्यों करते हो वो करते हो, तो उसको लगा कि मैं नॉन टेक्निकल हूँ और वो कोई और कर रहा था। तो उसने वापस से मेरे पर अटैक करना स्टार्ट किया, और उसने एक्चुअल में किया क्या, फॉरगॉट पासवर्ड में जाके उसने मेरी मेल आईडी निकालने की कोशिश करी, तो उसको मेरी मेल आईडी मिली नहीं, तो उसने उसको जितना मिला उसने मेरे को एज इट इज लिख के व्हाट्सएप कर दिया। मेरा बैंक अकाउंट उस नंबर से कोई भी लिंक था नहीं, तो उसको बैंक से कोई भी कुछ भी नहीं मिला इन्फॉर्मेशन, और जो मेरा ट्रूकॉलर पे नाम आता है उसने मेरे को वो लिख के भेजा, डू यू नो दिस। तो मैं समझ गया था कि इनका एक्चुअल में चलता क्या है, इनका ये कैसे फ्रॉड करते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ट्रूकॉलर जीमेल फेसबुक जीमेल फेसबुक इंस्टाग्राम से और उसी के थ्रू आपको डराते हैं। कुछ इनका गेसिंग सेंस इनका स्ट्रांग होता है कि ये गेस कर लेते हैं कि आप कौन हो गए, आपकी आवाज़ से पहचान लेते हैं, या फिर आप जैसे उनसे बात कर रहे हो तो आपकी लोकेशन के थ्रू आपको पता कर लेंगे कि आप क्या करते हो, कैसे हो, क्या एज है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डील करते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आपको डरना नहीं है। हमारा जो, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, कोई भी आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो विद इन 24 आवर्स आप जाके उस पर रिपोर्ट करो। कोई भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है और अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो भी चुका है और 24 आवर्स से ऊपर हो चुके हैं, तो आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हो cybercrime.gov.in पे। मैं आपसे कहना चाहूंगा लास्ट में कि आप सबसे ज्यादा साइबर अवेयरनेस फैलाओ, जितनी आपको नॉलेज है साइबर से रिलेटेड उतनी ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में उनको शेयर करो। थैंक यू।